तुम्हारे पास वो है जो इस नौकरी में चाहिए? वो तो पता नहीं, पर वो जरूर है जो तुम्हारी पत्नी को चाहिए। पहले कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की है मुझसे। क्योंकि आज से पहले तुम्हारी पटाखा पत्नी को किसी ने देखा नहीं ना। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेजिंग मूवी को, जिसका नाम है टेड। ये कहानी है एक टर्की टेडी बियर की। तो चलिए देखते हैं कि ये टेडी बियर मूवी में क्या क्या कांड करता है। कहानी की शुरुआत में हम एक जॉन नाम के लड़के को देखते हैं, जो काफी ज्यादा उदास था क्योंकि कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेल रहा था। तभी रात को उसे एक क्रिसमस का गिफ्ट मिलता है, जिसे वो खोल कर देखता है तो उसमें एक टेडी बियर था। जॉन उसका नाम टेड रखता है। जब जॉन रात को सोता है तो वो भगवान से एक विश मांगता है कि काश उसका टेडी बियर जिंदा हो जाए। इसके बाद जब वो सुबह को उठता है तो देखता है कि उसका टेड बिस्तर पर नहीं था। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, मगर तभी टेड अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसे बोलता हुआ देखकर जॉन खुश हो जाता है। इसके बाद टेड के जिंदा होने की खबर तेजी से मीडिया में फैल जाती है और वो देखते ही देखते स्टार बन जाता है। मगर स्टार बनने के बाद भी वो जॉन से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ता। इसके बाद कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं और हम जॉन को देखते हैं, जो अब काफी बड़ा हो चुका था। ये दोनों बैठकर गांजा फूंक रहे थे और समय के साथ टेड एक गंजेड़ी और ठरकी बन चुका था। अगले दिन हम जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम लॉरी था। जब रात को ये दोनों सीन बना रहे होते हैं तो किसी आवाज से डरकर टेड इन दोनों के बीच आकर लेट जाता है। अब लॉरी जो मूड बनाकर बैठी थी तो उसके मूड का भाजीवाला हो जाता है। अगले दिन लॉरी अपने ऑफिस जाती है तो वहां उसका ठरकी बॉस उस पर लाइन मारने लगता है। इसके बाद रात को जब लॉरी और जॉन मिलते हैं तो खूब इंजॉय करते हैं। तभी लॉरी जॉन से कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में अगर कुछ करना है तो टेड को छोड़ना होगा। इस पर जॉन कहता है कि टेड ही मेरा इकलौता फ्रेंड है, जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, तो इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ सकता। इसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं तो देखते हैं कि वो ठरकी टेड कुछ लड़कियों के साथ गांजा फूंक रहा था और उनके संतरे भी निचोड़ रहा था। ये देखकर लॉरी टेड को वहां से जाने को कहती है। अगले दिन जॉन टेड को एक जॉब इंटरव्यू के लिए ले जाता है ताकि टेड का भी टाइम पास होता रहे। तभी उस स्टोर का मालिक टेड से पूछता है कि क्या तुम इस स्टोर में काम कर सकते हो, तो टेड उससे कहता है कि काम का तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारी बीवी का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से बजा सकता हूँ। ये सुनकर स्टोर का मालिक खुश हो जाता है और टेड को नौकरी पर रख लेता है। उधर जॉन उसे वहीं पर एक फ्लैट भी दिलवा देता है, क्योंकि लॉरी ने टेड को घर में आने से मना किया था। एक दिन जॉन और टेड पार्क में बैठे बातें कर रहे थे, तभी एक टोनी नाम का आदमी अपने बेटे के साथ आता है, जिसका नाम रॉबर्ट है। वो जॉन से कहता है कि मैं इस गुड्डे को खरीदना चाहता हूँ। इस पर जॉन मना कर देता है और कहता है कि टेड बिकाऊ नहीं है, पर फिर भी टोनी जॉन को अपना एड्रेस दे देता है और वहां से चला जाता है। उधर लॉरी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि टेड जॉन की लाइफ से जा चुका है। अगले दिन हम टेड को स्टोर में देखते हैं, जहां वो एक लड़की पर लाइन मारता है और उसे एक झटके में पटा भी लेता है। इसके बाद एक दिन टेड का बहुत मन हो रहा था जॉन से मिलने का, तो वो उसे फोन करके अपने फ्लैट पर बुलाता है और बहुत दिनों बाद ये दोनों मिलकर गांजा फूंकते हैं। अगले दिन हम उस स्टोर को देखते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी क्योंकि काउंटर पर सामान देने वाला कोई भी नहीं था। ये देखकर उस स्टोर का मालिक टेड को ढूंढने लगता है, मगर टेड किसी लड़की को बजा रहा था। इसके बाद वो टेड को अपने केबिन में बुलाता है और शाबाशी देता है। उसी रात लॉरी जॉन को अपने बॉस की पार्टी में ले जाती है और वहां ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। मगर तभी जॉन को टेड का फोन आता है और वो जॉन से कहता है कि भाई यहाँ पर जल्दी आ जा, मैंने चिकनी लौंडियाँ और गांजे का इंतजाम किया है। ये सुनकर जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को बेवकूफ बनाकर टेड के पास जाता है और ये लोग पेल कर पार्टी करते हैं। मगर तभी वहाँ लॉरी भी आ जाती है और वो जॉन को टेड के साथ देखकर भड़क जाती है और जॉन से कहती है कि अब से तुम सिर्फ टेडी बियर की ही लेना, मेरी लेने के बारे में भूल जाना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उधर जॉन भी काफी उदास था, तो वे गुस्से में टेड को भी बुरा भला कह देता है। अगले दिन लॉरी के बॉस को पता चलता है कि लॉरी का ब्रेकअप हो चुका है, तो वो लॉरी को पेलने के लिए उससे पूछता है। इस पर लॉरी भी जॉन का गुस्सा निकालने के लिए बॉस को हाँ कह देती है। वहीं दूसरी तरफ टेड जॉन के पास जाता है और उसे लॉरी और बॉस के बारे में बताता है कि वो दोनों गपागप कार्यक्रम करने वाले हैं। इस पर जॉन उल्टा टेड पर ही भड़क जाता है और उसे काफी बुरा भला कहता है। तभी टेड की भी सटक जाती है और वो जॉन को कपड़े की तरह धो देता है और दोनों बाद में फिर से दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम लॉरी और बॉस को देखते हैं, जो घपाघप कार्यक्रम के लिए एक होटल में आए थे। तभी वहां जॉन आ जाता है और वो लॉरी के लिए एक सड़ा सा गाना गाता है, जिसे सुनकर लॉरी इम्प्रेस हो जाती है और वो बॉस के साथ घपाघप कार्यक्रम कैंसिल करके अपने घर चली जाती है। इसके बाद टेड लॉरी के घर जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज तुम जॉन के पास वापस चली जाओ,
तो लॉरी टेड की बात मान जाती है और जॉन के पास वापस जाती है। तभी टेड के घर पर टोनी और रॉबर्ट आते हैं और टेड को किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं, जहां रॉबर्ट टेड को अपने साथ खेलने को कहता है, मगर टेड ऐसा नहीं करता। तो रॉबर्ट को गुस्सा आ जाता है और वो टेड का एक कान उखाड़कर उसे कनकटा बना देता है। मगर तभी टेड मौका देखकर जॉन को फोन कर देता है और कहता है, भाई तू जल्दी मुझे यहाँ से ले जा, वरना ये दोनों मेरा भोसड़ पप्पू बना देंगे। तभी वहाँ टोनी आ जाता है और वो टेड को डिग्गी में बंद करके कहीं और ले जाता है। मगर रास्ते में जॉन उसे देख लेता है और टोनी की कार का पीछा करता है। मगर तभी टोनी की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तभी टेड कार से निकलकर एक खंभे पर चढ़ने लगता है, जिसके पीछे टोनी भी था। मगर तभी टोनी टेड की एक टांग पकड़ लेता है और टोनी के वजन की वजह से टेड के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो फिर से एक बेजान खिलौने में बदल जाता है। इसके बाद जॉन और लॉरी वहां आकर टेड को इकट्ठा करते हैं और अपने साथ घर ले जाकर उसे सिलने लगते हैं, ताकि टेड फिर से पहले जैसा ही हो जाए। मगर इतना कुछ करने के बाद भी टेड जिंदा नहीं होता। तभी लॉरी रात को गॉड से प्रे करती है कि टेड फिर से पहले जैसा हो जाए। अगले दिन जॉन उठता है तो देखता है कि टेड अभी भी बेजान ही था। ये देखकर जॉन उसे याद करके रोने लगता है, मगर तभी टेड फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर जॉन बहुत खुश होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन और लॉरी शादी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम टेड को देखते हैं जो उस लड़की से शादी कर लेता है जिसे उसने स्टोर के एक रूम में खूब बजाया था। और ऐसे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मगर इस मूवी का एक पार्ट और भी है, जिसे अगर आप मेरी भाषा में सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।